प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी अंग्रेजी सीखने की बहुत इच्छा है, बहुत तमन्ना है, बहुत पुरानी इच्छा है, लेकिन अंग्रेजी से डरते बहुत हैं। वो टेंस तक नहीं सीखना चाहते, बट थोड़ा बहुत लिखना चाहते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हैं। तो आज का वीडियो उन लोगों को अंग्रेजी सिखाएगा। देखिए, मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि अगर कोई ऐसे नहीं सीख रहा है तो उसको ऐसे सिखा दो, और ऐसे नहीं सीख रहा है तो ऐसे सिखा दो। नियमों में हमेशा बंधे रहना कोई बहुत जरूरी नहीं है, हम चीजों को अलग तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बिना टेंस सीखे भी हम ट्रांसलेशन करना कैसे सीखे, यानी किसी हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे बनाना सीखे। कुछ फॉर्मूलाज में आपको बताऊंगा, आप उनको नोट करते जाना। हाँ, आज की वीडियो में कंपलसरी है, यदि वास्तव में आप सीखना चाहते हैं तो इतना कष्ट तो कर सकते हैं कि पेन कॉपी रख लीजिए, और कुछ कुल 5-6 बातें बताऊंगा जो बिना टेंस के भी आपको अंग्रेजी सिखा देंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी जानकारी जो हर वीडियो में दी जाती है, जानकारी यह है। देखिए, ये तो एक ऐसा वीडियो है जो नॉर्मल लोगों को, यानी जो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं जानते उनको भी अंग्रेजी सिखाएगा, लेकिन यदि आपका अंग्रेजी में इंटरेस्ट है, आप कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हो, आपको पता है कि हमारे चैनल पर सारे इंग्लिश ग्रामर के वीडियोज हैं। हम ग्रामर में बहुत डीप भी जाते हैं और आप जैसे लोगों की मदद भी करते हैं, मतलब हम दोनों काम करते हैं, हम सबके साथ हैं, हम सबको अंग्रेजी सिखाएंगे। तो देखिए, यदि आपका इंग्लिश ग्रामर में इंटरेस्ट है तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने सारी की सारी इंग्लिश ग्रामर को, सारे टॉपिक्स को सीरियल से कवर किया है विद पीडीएफ नोट्स, यानी जो पढ़ाया है वो लिखा हुआ भी है। तो उस कोर्स की नाम मात्र की फीस है, आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। परचेज नहीं करना चाहते, मैं किसी को फोर्स नहीं करता, यूट्यूब पर आपका वेलकम है। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं, फिर बता रहा हूं, पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ, कुछ स्ट्रक्चर कुछ फॉर्मूला बताऊंगा, उनको नोट कर लेना चाहे फिर दिमाग में नोट कर लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो देखिए, पहली बात है, आप तो ये मानो कि बात नंबर एक, कोई नियम नहीं, कोई रूल नहीं, कोई टेंस नहीं, बस आप तो कुछ स्ट्रक्चर देख रहे हो। स्ट्रक्चर ये है, माना कि आप ऐसा बोलते हो या किसी सेंटेंस में ऐसा आता है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ यही वर्ड सेंटेंस में आएगा, सेंटेंस में और भी वर्ड हो सकते हैं, लेकिन सबसे काम का वर्ड ये है। जैसे माना कि आपने लिखा, सॉरी, आपके किसी सेंटेंस में आया खेलूंगा या खेलेगा या खेलेगी, ऐसा कुछ आया, ठीक है, यानी जो वर्ब है उसमें गा गी के लगा हुआ है। तो अगर ये स्ट्रक्चर आए तो इसकी अंग्रेजी पूरे की क्या बनेगी, विल प्ले, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, विल प्ले। अब सेम इसी चीज को यह फॉलो करते हैं, माना कि आप कहते हो जाऊंगा, जाएगी या जाएगा या जाएंगे, ऐसा कुछ भी होगा, तो फिर इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, विल गो। अब ऐसा किसी वर्ब के साथ हो, आना जाना खेलना, इनकी अंग्रेजी तो आप जानते होगे ना, जैसे आने की कम हो गई, जाने की गो हो गई, खेलने की प्ले हो गई, पढ़ने की रीड हो गई, लिखने की राइट हो गई, देखने की सी हो गई, तो जब भी इन वर्ब में गा गी लग जाए तो हमको विल लगा देना है एंड से पहले, जैसे विल लगा दिया और विल के बाद उस वर्ब की अंग्रेजी, जैसे जाने की तो विल गो, आने की तो विल कम, पढ़ने की तो विल रीड, देखने की तो विल सी, इस तरह से। अब इसको सेंटेंस में देख लेते हैं। तो देखिए, अब आपने कोई टेंस नहीं पढ़ा ना, आपने बस स्ट्रक्चर पढ़ा, ये फॉर्मूला पढ़ा कि जब भी क्रिया में गा गी गे लगा हो तो विल और क्रिया, बस ये स्ट्रक्चर होता है। अब जैसे सेंटेंस में देखते हैं, जैसे जाने की देखते हैं, जैसे देखो आप कहो मैं जाऊंगा, ठीक है, छोटा सा वाक्य, मैं जाऊंगा, तो यहां पे मैं की हो गई आई, अब जाऊंगा तो जाने में विल गो, बस हो गया काम, आई विल गो, ठीक है। अब ये सेंटेंस थोड़ा आगे होता, मैं कल जयपुर जाऊंगा, इस तरह से होता, मैं कल जयपुर जाऊंगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना, इंग्लिश का एक सीधा सा फॉर्मूला है, हिंदी का अलग होता है, इंग्लिश का अलग होता है। देखिए, सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है, उसकी अंग्रेजी आ गई, उसके बाद बैक चले जाओ, तो जाऊंगा की अंग्रेजी पहले आएगी, आई विल गो। अब बचे क्या, कल और जयपुर, दो चीज बची, तो देखिए जयपुर की अंग्रेजी पहले ले आओ, क्योंकि वापस आ रहे हैं, तो आई विल गो टू, किसी स्थान पर जाते हैं उससे पहले टू लगाते हैं, आई विल गो टू जयपुर। अब कल, अब देखिए कल दो होते हैं, तो बीता हुआ कल होता है, एक आने वाला कल होता है, बीते हुए कल को यस्टरडे कहते हैं, आने वाले कल को टुमारो कहते हैं, तो यहां पर ये आने वाला कल है, तो आई विल गो टू जयपुर टुमारो, मैं कल जयपुर जाऊंगा। अब देखिए यहां पे जाऊंगा के लिए क्या है, विल गो, बस पकड़ने वाली बात यह है कि जाऊंगा के लिए विल गो है, क्योंकि अगर मैं टेंस चेंज कर दूं, मतलब इसी बात को मैं गया था ऐसे बोलूं, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ यहां पे ये वर्ब चेंज होगी और ये टुमारो है ना, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कहने का मतलब ज्यादा चेंज यहां से होते हैं, और सेंटेंस गलत भी यहीं से होता है और सही भी यहीं से होता है। तो ये फॉर्मूला आपने पकड़ लिया होगा, जैसे जाऊंगा
विल गो, आऊंगा विल कम, पढ़ूंगा विल रीड, सब्जेक्ट कोई भी हो सबके साथ विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इस बात को आप नोट कर सकते हो, इस पर थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। हाँ, नहीं हो, जैसे नहीं जाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खेलूंगा, तो क्या करेंगे, जैसे मैं कल जयपुर नहीं जाऊंगा, तो ध्यान रखना आई विल नॉट, नॉट या बीच में फंस जाएगा, आई विल नॉट गो टू जयपुर टुमारो, मैं कल जयपुर नहीं जाऊंगा। मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद विल के बाद आपको नॉट लगा देना है, नहीं जाऊंगा विल नॉट गो, नहीं खेलूंगा विल नॉट प्ले, नहीं सोऊंगा विल नॉट स्लीप, इस तरह से। तो ये बात आपके समझ में बैठ गई होगी, हमने कोई टेंस नहीं पढ़ा, हमने बस ये चीज पढ़ी कि खेलेगा विल प्ले, आएगा विल कम, जाएगा विल गो, देखेगा विल सी, इस तरह से। बस इस बात पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, ये आपका एक टेंस खत्म हो गया, मतलब एक बात आपने समझ ली, आपसे कभी गलती नहीं होगी। चलो एक सेंटेंस और देख लो, आप कहोगे एक सेंटेंस बताया, जैसे देखिए मैं यहां पे कहूं वह खाना पकाएगी, जैसे ये सेंटेंस है, तो देखिए अब वह पकाएगी, अब वह की अंग्रेजी दो होती है ही और सी, अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, तो पकाएगी तो लड़की है, तो फिर क्या आएगा सी। अब उसके बाद देखिए सबसे लास्ट में पकाएगी, पकाएगी विल कुक, ठीक है, खाएंगे विल ईट, इस तरह से। तो पकाएगी सी विल कुक, क्या खाना फूड होता है, तो सी विल कुक फूड, वह खाना पकाएगी, भोजन पकाएगी, बहुत सिंपल है, पकाएगी विल कुक, आएगी विल कम, इस तरह से। तो आपको तो बस इस ये रट लेना है कि अगर खेलूंगा खेलेगी, पढ़ेगा पढ़ेगी, जाऊंगा जाएंगे, मतलब गा गी के लगाओ तो विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। लगता है मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूं, आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फटाफट से बढ़ते आगे, और चलिए अब देखते हैं फॉर्मूला नंबर टू। सच बताऊं इस तरह से आज आपको पढ़ाते हुए मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। देखिए हम टीचर हैं, हमारा काम है आपको सिखाना, अब हर एंगल से आपको सिखाना चाहिए। भाई कोई वीक स्टूडेंट है उसको अगर ग्रामर की भारी भरकम वर्ड, भारी भरकम टर्म, फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है तो भैया ऐसे बता दो, बट सिखाना चाहिए, इसलिए तो कहता हूं सिखा के छोड़ूंगा। तो देखिए हम टेंस को, हम चीजों को, ट्रांसलेशन को एक अलग ही एंगल से सीख रहे हैं। एंगल नंबर टू ये कहता है यदि किसी सेंटेंस में ऐसे वर्ड आ जाए जा रहा, जा रही, जा रहे, तो अंग्रेजी होगी गोइंग। कहने का मतलब है क्रिया में अगर रहा, रही, रहे लग रहा है ना, तो क्रिया प्लस आईएनजी लगा दो, आपका काम बन गया। जैसे देखिए यहां पे लिख रहा है खेल रहा, खेल रही, खेल रहे, इन तीनों वर्ड की अंग्रेजी एक ही होगी प्लेइंग। अब आपको समझ में आ गया होगा ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब इधर देखो, जैसे देखिए लिख रहा, लिख रही, लिख रहे, तो अंग्रेजी होगी राइटिंग। पढ़ रहा, पढ़ रही, पढ़ रहे, तो अंग्रेजी होगी रीडिंग। खा रहा, खा रही, खा रहे, ईटिंग। ऐसे ही सो रहा, सो रही, सो रहे, स्लीपिंग। कहने का मतलब है आप में इतना कम दिमाग नहीं, आप समझ गए होंगे, जब भी क्रिया में रहा, रही लगे होता है तो हम क्रिया प्लस आईएनजी लगा देते हैं, अंग्रेजी बन जाती है। अब देखिए इतने से काम नहीं चलेगा, इनके आगे कुछ और भी वर्ड होते हैं, टेंस होता है ना, जैसे जा रहा है, अगर है तो फिर है की अंग्रेजी क्या होगी, तो भैया बहुत ही सिंपल है, मैंने यहां पे लिख दिया। अगर इन वर्ड के बाद, मतलब रहा, रही के बाद है, हूं, है आए, तो है की अंग्रेजी इज होगी, हूं की एम होगी, और है मतलब ज्यादा आर होगी। इसी तरह से रहा, रही के बाद था, थी, थे आए, तो था और थी की अंग्रेजी वाज होगी, और थे आए तो वर होगी। इसी तरह से रहा, रही के बाद गागी के आए तो फिर विल भी उसकी अंग्रेजी होगी। अब इस बात को अपन यहां एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा वह खेल रहा है, तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान दो जो मैं आपको बता रहा हूं, खेल रहा की अंग्रेजी क्या है, प्लेइंग। बस ये दिमाग में डाल लो कि खेल रहा की अंग्रेजी प्लेइंग है। उसके बाद है आया, तो है की अंग्रेजी क्या है, इज, एम, आर, तीन है, तो है की अंग्रेजी इज है, अभी इंग्लिश बन जाएगी। तो वह खेल रहा है, अब देखिए वह लड़का भी हो सकता है, लड़की हो सकती है, अगर लड़का है तो ही आएगा, लड़की है तो सी आएगा, तो यहां पर हमने लिखा ही। अब देखिए अब है की अंग्रेजी क्या है, इज, ये पहले आएगी, ही इज, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, हेल्पिंग वर्ब तो बोलना ही नहीं है, है की अंग्रेजी इज है, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, बस इसकी अंग्रेजी बन गई। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, नियम क्या कहता है कि जब भी रहा, रही आए ना, तो प्लेइंग ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, उसके बाद है आ रहा है तो इज एम आर में से कोई आएगा, तो यहां पर इज है। अगर यहां पर होता जैसे मैं नहीं पढ़ रहा हूं, ये सेंटेंस होता मैं नहीं पढ़ रहा हूं, तो आप तो मेन चीजें देखो, पढ़ रहा आ गया ना, तो रीडिंग, बस पढ़ रहा आते ही रीडिंग आपके दिमाग में जाना चाहिए, आपकी आधी ट्रांसलेशन हो गई। अब यहां पे देखिए सब्जेक्ट है मैं, अब मैं के बाद लास्ट में चले जाइए हूं, हूं की अंग्रेजी क्या है, एम होती है, तो आई एम। अब देखिए उसके बाद पढ़ रहा आना चाहिए, लेकिन नहीं है तो नॉट पहले आ जाएगा, बस ये ध्यान रखना, आई एम नॉट रीडिंग। अब इन्हीं दोनों टेंसों को मैं इन वाक्यों को चेंज कर रहा हूं टेंस में, जैसे वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, ठीक है, लेकिन यहां पे है नहीं, था है,
वह खेल रहा था होता। तो देखिए, अब भले था जाए लेकिन खेल रहा की अंग्रेजी प्लेइंग ही रहेगी, और था की अंग्रेजी मैंने बताई थी वाज और वर, चूंकि था एक ही है तो क्या लगा देंगे, वाज लगा देंगे, तो ही वाज प्लेइंग, ठीक है। अब इसी तरह से मैं नहीं पढ़ रहा था, यहां पे था है तो फिर आई, अब था के लिए क्या लगाएंगे, वाज, तो यहां पे क्या आ गया, वाज। आई वाज नॉट रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा था। अगर ऐसे फ्यूचर को होता, जैसे मैं अलग ही सेंटेंस लिख देता हूं, एक वे पढ़ रहे होंगे, ये है वे पढ़ रहे होंगे, तो सब पढ़ रहे कि क्या है, रीडिंग, बस ये ध्यान रखो। तो देखिए दे, अब दे के साथ पढ़ रहे होंगे गागी के आ गया, अगर गागी के आ गया तो फिर क्या लगाएंगे, विल बी लगाएंगे, बस ये ध्यान रखना, चौक कहां चला गया। तो दे विल बी और पढ़ रहा कि तो रीडिंग हो ही गया, लेकिन एक बात ध्यान रखना, वे नहीं पढ़ रहे होंगे, हालांकि देखिए उस तरह के सेंटेंस कम आते, फिर भी अगर नहीं और आ जाए ना तो विल बी के बीच में आएगा, नॉट ये विल, वे नहीं पढ़ रहे होंगे, जैसे नहीं था तो दे विल नॉट बी रीडिंग। अच्छा, कुछ भी भूल जाना, बट एक बात मत भूलना कि जा रहा, आ रहा, खा रहा, खेल रहा, पढ़ रहा, लिख रहा, उड़ रहा, कुछ भी है तो आईएनजी फॉर्म आती है, उसके बाद है हूं है आए तो इज एम आर, था थी थे आए तो वाज वर, गागे गया तो विल बी, सेल बी, हालांकि सेल बी नहीं, आप विल बी से काम चला लो चलता है, ठीक है। मतलब सेल का यूज ना करो, फ्यूचर टेंस में विल का यूज कर लो तो आपका काम चल जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये था हमारा फॉर्मूला नंबर 2। लेकिन इसी में एक पेच है छोटा सा, हालांकि देखिए मैं आपको मतलब ऐसे नहीं कि 12 टेंस होते तो 12 चीजें पढ़ाऊंगा, नहीं, जो चीज सबसे ज्यादा काम में आते हैं सिर्फ वही पढ़ा रहा हूं, तो सबसे ज्यादा तो यही मतलब तीनों टेंस काम आते हैं, इनमें से भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो कि है ना, जा रहा है, खेल रहा है, ये ज्यादा काम में आता है। लेकिन एक चक्कर और है, चक्कर क्या है, फॉर्मूला तो वहां पे फिट बैठेगा लेकिन ये चीज थोड़ी चेंज हो जाएगी, अगर सेंटेंस में समय और दे दे, जैसे देखिए एग्जांपल के लिए ही देखो आप, मैं इसको यहां से थोड़ा सा हटा देता हूं चीजों को, जैसे देखिए वह खेल रहा, सॉरी इसको हटा के, वह 2 घंटे से खेल रहा है, ऐसा बोलना पड़ जाए हमें, यह फॉर्मूला अब भी काम करेगा क्योंकि इसमें खेल रहा तो अब भी आ रहा है ना, खेल रहा, तो खेल रहा का मतलब क्या है, प्लेइंग ही आएगा, मतलब जब भी रहा रही आता है तो आईएनजी फॉर्म तो आती है, लेकिन इसमें एक पेच फंस गया, यहां पे अब आप है के लिए इज एम आर नहीं लगाओगे, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर मतलब रहा रही आ जाए और समय और दिया हो, जैसे 2 घंटे से, 2 बजे से, सुबह से, शाम से, तो फिर टेंस चेंज हो जाता है, टेंस तो मुझे बोलना नहीं है, स्थिति चेंज हो जाएगी, इज एम आर नहीं आएंगे, अगर ऐसी स्थिति हो तो फिर यहां पर हम चेंज कर देते हैं। चलो आगे लिख देता हूं, अगर ऐसा हो ना, समय और दिया हो तो हैज बीन या फिर हैव बीन आता है, बस इस बात का ध्यान रखना, ये आप अपनी कॉपी में कैसे भी करके नोट कर लेना कि अगर समय और दिया होगा तो इज एम आर नहीं आएंगे, हैज बीन हैव बीन आएंगे, इधर पास्ट में यहां पे हैड बीन आएगा, हैड बीन, और फ्यूचर में आएगा विल हैव बीन, शैल हैव बीन, आप विल हैव बीन से ही काम चला लो, ठीक है। तो वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो देखिए ही सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद लास्ट में चले जाइए, अब है के लिए, चूंकि यहाँ पे 2 घंटे से आ रहा है ना, तो फिर इज एम आर नहीं आएगा, ही के साथ यहाँ पे हमको हैज बीन लगाना पड़ेगा, हालांकि ये टेंस कम काम में आता है, तो ही हैज बीन, अब देखिए खेल रहा के लिए तो आप वही लगाओगे प्लेइंग, बस मेन चीज तो मेन थ्योरी है, मतलब खेल रहा प्लेइंग, तो ही हैज बीन प्लेइंग, अब 2 घंटे से, इसके लिए आपको 4 आवर्स ये लगाना पड़ेगा, अगर समय अवधि है, जैसे 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 महीने से, 2 साल से, एक अवधि है तो 4 लगाते हैं, और फिक्स टाइम दे दिया कि सुबह से 3 बजे से, 3 बजे फिक्स है, सोमवार से, मंगलवार से, जुलाई से, 2008 से, यानी समय का नाम दे दे तो सिंस लगाते हैं, चूंकि इसमें 2 घंटे का अवधि है तो 4 लगाया, अगर ये होता 2 बजे से, जैसे 2 बजे से इस तरह से होता तो यहाँ पे सिंस 2 o'clock इस तरह से आता, क्योंकि फिक्स टाइम है 2 बजे, घड़ी फिक्स बता रही है 2 बज रहे, तो सिंस आएगा, ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना आप, चूंकि इसमें 2 बजे था तो हमने 4 का प्रयोग किया, बस ये छोटी सी बात है। अब देखिए इसी में देख लो, वह 2 घंटे से खेल रहा था, मतलब यहाँ पे था आ गया, था गया ना, तो वाज वर को याद मत करो क्योंकि यहाँ पे समय दे रखा है 2 घंटे से, तो फिर इधर से क्या ले आए, हैड बीन, सब्जेक्ट कोई भी हो यहाँ पे आ जाएगा हैड बीन, वह 2 घंटे से खेल रहा था, वह 2 घंटे से खेल रहा होगा इस तरह से आ गया, तो फिर विल बी, शैल बी से काम नहीं चलेगा, विल हैव बीन आपको लगाना पड़ेगा, तो ही यहाँ पे लगा दो विल हैव बीन, बस ये हो गया आपका काम इस तरह से। हालांकि ये चीज आपको समझ में ना आई हो तो भी कोई बात नहीं है, एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि आ रहा, जा रहा, खा रहा, खेल रहा, अगर ये आ जाए तो आईएनजी लगती है, थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस है, तो भाई थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर इंग्लिश इतनी आसान होती तो कोई भी सीख लेता और कोई भी सिखा देता, तो कुछ मुश्किलें तो होती है, लेकिन फिर भी मुझसे जितना हो पड़ रहा है ना उतना मैं इसको आपको सरल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला नंबर 2 है, इसमें मेन थ्योरी है ये वाली,
रह रही के लिए आईएनजी लगाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। और चलिए अब देखते हैं फॉर्मूला नंबर 3। यही बहुत आसान है, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए, यदि किसी सेंटेंस में अगर ऐसे वर्ड आए, मतलब वर्ब इस रूप में आए, जैसे खा चुका, खा चुकी, खा चुके, तो ईटन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इस बात का ध्यान रखना। जैसे देखिए, लिख चुका, लिख चुकी, लिख चुके, तो रिटर्न। किसी वर्ब की तीन फॉर्म होती है ना, जैसे देखिए गो तो क्या है, जाना, फर्स्ट फॉर्म हो गई, वेंट सेकेंड फॉर्म हो गई, गया, और थर्ड फॉर्म हो गई गॉन। जो थर्ड फॉर्म है ना, वो क्या बोलती है, जा चुका या जा चुकी, जा चुके, चुका चुकी, चुके, क्यों, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर जैसे वह जा चुका है तो वह के साथ क्या, जा चुका। अगर लड़की है तो जा चुकी, वे तो फिर जा चुके, इस तरह से, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अब जैसे गौन है, थर्ड फॉर्म है, तो जा चुका, जा चुकी, जा चुके, गौन, कोई भी हो, सबके लिए गौन आएगा। ऐसी देखो, प्लेड, खेल चुका, खेल चुकी, खेल चुके। अब एक बात और है, जैसे इसकी सेकंड फॉर्म भी प्लेड ही होती है। बहुत सारी वर्ब ऐसी होती है जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडीडी लगाने से बनता है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर चुका, चुकी, चुके आ रहा है तो ईडी वाली लेनी है, जो कि थर्ड होती है। ऐसी संग, गा चुका, सिंग, सेंग, संग, ये थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब तो आपको याद करनी पड़ेगी। बट मैं क्या बता रहा हूं, जो थर्ड फॉर्म होती है ना, वो चुका, चुकी, चुके बोलती है, बहुत ही आसान है। अब देखिए, अब इनके बाद अगर है, हूं, है, आए, तो क्या करें, टेंस तो वहीं से चलता है ना। तो देखिए, अगर है आए, मतलब चुका चुकी के बाद है आए, तो हैज, और हूं और है आए, तो फिर हैव, ठीक है। यानी सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, ठीक है। अगर था, थी, थी आए, चुका चुकी के बाद, तो हैड, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, सबके साथ हैड आएगा। और यदि गागी गया है तो विल हैव, और शैल हैव भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ विल हैव से आपका काम चल जाएगा। अब एग्जाम्पल को यहां देखो, जैसे वह खाना खा चुका है, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, खा चुका, खा चुका मतलब ईटन। सबसे पहले इसको पकड़ लो, अगर इसको पकड़ लिया तो आपका आधा काम हो गया। तो देखिए, सब्जेक्ट हो गया ही, अब ही के बाद देखिए, पहले पीछे चलते तो है की अंग्रेजी आएगी। अब है के लिए यहां पे इज एम आर को डिलीट कर देना, हैज बीन, हैव बीन को डिलीट कर देना, बस यही बस ध्यान रखना पड़ेगा, यही पे थोड़ी सी परेशानी है। अगर ये आपने सॉल्व कर दी तो आपका काम हो जाएगा। मतलब चुका चुकी के बाद जब है आएगा ना, तो इज एम आर नहीं, हैज हैव आएंगे। अब चुकी मैं कह रहा हूं है, तो सिर्फ हैज ही, हैज, ठीक है। अब खा चुका तो ईटन, खा चुका के लिए क्या है, ईटन, ही हैज ईटन। अब खाने के लिए क्या होता है, फूड, वह भोजन खा चुका है, भोजन कर चुका है। एक खास बात और, ये बात हो सकता है आपको थोड़ी परेशान कर दे, लेकिन इतनी कठिन बात नहीं है। जैसे देखिए, वह खाना खा चुका है, हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि उसने खाना खा लिया है। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, उसने खाना खा लिया है, इस तरह से बोल सकते हैं। खा चुका हूं और खा लिया है, भाव एक ही आता है, तो ध्यान रखना। यहां पे एक नई बात बता रहा हूं आपको, सिर्फ प्रेजेंट के लिए। जैसे खा चुका या खा लिया, तो खा लिया है, देख लिया है, चला गया है, लिख लिया है, पढ़ लिया है, इस तरह के वर्ड आए तब भी थर्ड फॉर्म ही आती है, क्योंकि अर्थ एक ही होता है, सेंस एक ही देता है। मैं खाना खा चुका हूं, मैंने खाना खा लिया है, बात तो एक ही है ना। वह पढ़ चुका है, वह पढ़ लिया है, मैंने चाय पी ली है, मैं चाय पी चुका हूं, बात एक ही है। तो चुका है, चुकी है के स्थान पर अगर आ है, ई है, ए है भी आ जाए प्रेजेंट में, तब भी थर्ड फॉर्म आती है, तो ठीक है। उसने खाना खा लिया है, अब उसने की अंग्रेजी क्या होगी, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। ऐसे बहुत सारे वर्ड है, जैसे उसने, मुझे, मुझको, तुमने, तुमको, तो इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया ट्रांसलेशन नाम से, आप जाकर उसको सर्च कर लेना, महेश गुरुजी ट्रांसलेशन, बहुत सारे वीडियो आएंगे उनमें से जाएगा, उसमें आपको पता लग जाएगा। तो ठीक है, तो उसने की अंग्रेजी ही होगी, ठीक है। ही के बाद अब देखिए, ही हैज, क्योंकि है आ रहा है। अब खा लिया और खा चुका एक ही बात है, तो ही हैज ईटन ही अब आएगा, ही हैज ईटन फूड, उसने खाना खा लिया है, क्योंकि सेंस एक ही होता है, बस इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, आगे क्या, टेंस देखना। जैसे वह खाना खा चुका है और वे खाना खा चुके हैं, है होता तो क्या आएगा, है आएगा। तुम खाना खा चुके हो, यू भी ध्यान रखना प्लूरल है, तो उसमें भी है आएगा। हालांकि हमारा मूल कॉन्सेप्ट है चुका चुकी को बताना, थर्ड फॉर्म को बताना। रही बात हेल्पिंग वर्ब की, तो थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से है, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से है, उन पर कभी सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसी बात पे कि सारे के सारे सिंगुलर सब्जेक्ट ये है, प्लूरल ये है, इनके साथ ये हेल्पिंग वर्ब आती है, उस बात पे। लेकिन हमारा फोकस है इस चीज को कवर करना कि चुका चुकी आ जाए तो थर्ड फॉर्म की याद आपको आ जानी चाहिए, आपकी ट्रांसलेशन हो जाएगी। अब बिना टेंस सीखे भी टेंस सीख जाओगे, आधे पढ़ दे तो सीख ही जाओगे। तो देखिए, अब यहां पे थोड़ा सा एक आधा एग्जांपल और देखते हैं। जैसे रमेश एक पत्र लिख चुका था, जैसे ये है, ठीक है। तो लिख चुका, लिख चुका मतलब रिटर्न, थर्ड फॉर्म, बस यहां से ये क्लिक करो आप, लिख चुका, ठीक है। अब था के लिए क्या आएगा, हेड आएगा, वाज वर नहीं आएगा, हेड आएगा। तो रमेश सब्जेक्ट हो गया, रमेश हैड, और लिख चुका के लिए आ गया रिटर्न,
क्या ए लेटर, रमेश एक पत्र लिख चुका था, नहीं लिख चुका था तो रमेश हैड नॉट, नॉट यहाँ पे आएगा, वह खाना नहीं खा चुका है तो ही हैज नॉट, नॉट यहाँ पे आएगा, बस इस बात का ध्यान रखना। अगर कभी सेंटेंस ऐसा निकले कि वह जा चुका होगा इस तरह से आए तो विल हैव, सेलेब विल हैव भी लगा देंगे, जैसे देखिए वह जा चुकी होगी तो सी, सी के साथ क्या आएगा चुकी होगी, अब देखिए चुका होगा के लिए क्या है गॉन, तो सी विल, अब सॉरी गागी के लिए आएगा विल हैव, तो सी विल हैव पर गॉन, वह जा चुकी होगी, तो मेन कॉन्सेप्ट है जा चुकी होगी के लिए गॉन, लिख चुका के लिए रिटर्न और खा चुका के लिए ईटन, ये वर्ड है, मतलब ये परफेक्ट टेंस की जान है। रही हेल्पिंग वर्ब की बात, वो तो आपको याद करनी पड़ेगी, प्रेजेंट है है हूं है आ रहा है तो हैज हैव, पास्ट है तो हैड आएगा, फ्यूचर में विल हैव शैल हैव आता है, मोस्ट ऑफ आप विल हैव का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 3, तो ठीक है आप इसको नोट कर लो। कहने का मतलब यार कुछ तो सीख रहे हैं ना, मतलब कहीं ना कहीं चीजें घूम तो रही है ना, और ध्यान रखना एक वीडियो से एक क्लास से हम कभी नहीं सीखते, चीजें मतलब इधर से उधर घूमती रहती है, बार बार हमारे दिमाग में टकराती है, उनसे जान पहचान होती है, तब जाकर सीखना होता है। हर वीडियो में इस बात को बताता हूं, कोई भी व्यक्ति एक दिन में एक क्लास में नहीं सीख सकता, लर्निंग इज अ प्रोसेस, सीखना एक प्रक्रिया है, थिंग्स टेक टाइम, चीजों में वक्त लगता है, ठीक है। कीप ऑन लर्निंग, सीखना जारी रखिए, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। वैसे आप में से बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि मैं घुमा फिरा के आपको टेंस ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन एक अलग स्टाइल में, एक अलग अंदाज में, एक अलग क्रिएटिविटी के साथ। देखिए मेरा मकसद है आपको सिखाना, जिनको अंग्रेजी से बहुत डर लगता है ना उनको थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी कि यार कुछ फॉर्मूला तो मिल रहे हैं, फिर धीरे धीरे वो टेंस भी पढ़ेंगे, थोड़ा और बेसिक समझेंगे। जैसे देखिए टेंस की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल मैं आपको बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, बेसिक भी क्या एकदम से सरल तरीके से, ताकि आपकी शुरुआत हो जाए। तो देखिए ये फॉर्मूला कहता है यदि किसी सेंटेंस में क्रिया इस तरह से हमारे सामने है, जैसे गया गई गए, एक खास बात हो रहा है, इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं गया था गई थी गए थे, एक ही बात है, अभी मैं आपको बता दूंगा। तो इसके लिए हम सेकंड फॉर्म वेंट लगाते हैं, वर्ब की 3 फॉर्म होती है। तो अगर ऐसा है गया आया देखा, या गया था गई थी गए थे, लिखा पढ़ा देखा सुना, इस तरह से वर्ड आए, या फिर इनमें था थी लगाओ, एक ही बात होती है, तो आपको सेकंड फॉर्म लगानी है, ठीक है। जैसे देखिए खेला खेली खेले, या खेला था खेली थी खेले थे, प्लेड, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, जब भी आया गया देखा इस तरह से आया, यानी था थे लगाओ, वर्ब की सेकंड फॉर्म की आपको याद आ जाए, ये मेन फॉर्मूला है जो आपकी मदद करेगा। यदि आपको डर लगता है तो ये आपको चला देगा, ठीक है, आपको थोड़ी हिम्मत मिलेगी यार ऐसा होता है। अब देखिए खास बात क्या है, इसमें एक पेच और है, वो पेच चला मैं बाद में देखूंगा, पहले इसको देखो आप। मैं कल आगरा गया था, मैंने ये कहा, या फिर मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं मैं कल आगरा गया, अभी तो मैं कल ही गया हूं, और अगर मैं कल गया हूं तो मैं पास्ट में गया हूं, तो जब हम पास्ट की बात करें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि गया था या गया, एक ही बात है। तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म की याद आ जाए, बहुत ही सिंपल है। तो सब्जेक्ट कौन है, आई, उसके बाद में गया था, इस पूरे की अंग्रेजी क्या है, वेंट। ऐसा मत करना कि था के लिए आप वाज वर्ब की याद करो, नहीं, यहाँ पे मतलब था इसी में आ गया, वेंट में, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी था थी थे बोल देती है, ठीक है, पास्ट कर देती है। तो आई वेंट टू आगरा यस्टरडे, मैं कल आगरा गया था, ठीक है, बहुत सिंपल बात है। अब थोड़ी सी खास बात क्या है, यदि नहीं आ जाए, मतलब ये सेंटेंस, मतलब गया था आया था वाले सेंटेंस में नहीं आ जाए, या फिर प्रश्न आ जाए, तो फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, वो है डिड। यानी कहने का मतलब है अगर सेंटेंस सिंपल है, यानी उसमें नहीं नहीं आ रहा है, मतलब नेगेटिव नहीं है और इंट्रोगेटिव नहीं है, तो फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म से काम चल जाता है। लेकिन यदि प्रश्न है और नहीं है, नेगेटिव है, तो फिर डिड लगाना पड़ेगा। जैसे देखिए इसी को मैं लिख देता हूं यहां पे, मैं कल आगरा नहीं गया था, अब नहीं आ गया ना, तो आपको डिड लगाना पड़ेगा, फिर ये सेंटेंस ऐसे बनेगा आई, उसके बाद में नहीं। अब देखिए नहीं के लिए आपको यहाँ पे डिड नॉट लगाना पड़ेगा, ये ध्यान कर लेना आप, आई डिड नॉट। अब डिड के साथ हमेशा देखिए डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, अब यहाँ पे वेंट नहीं आएगा, तो यहाँ पे आप लगाओगे गो, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, आई डिड नॉट गो टू आगरा यस्टरडे। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये पास्ट डेफिनेट और प्रेजेंट डेफिनेट इसीलिए परेशान करते हैं क्योंकि इनके अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव में होती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू डज होती है, पास्ट इंडेफिनेट में डिड होती है, बस थोड़ा सा पेच है, इसलिए मैंने इन टेंस को लास्ट में रखा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, यदि प्रश्न होता क्या मैं कल आगरा गया था, जैसे क्या होता है यहाँ पे, क्या मैं कल आगरा गया था, तो अब ये प्रश्न हो गया, अब भी इसमें डिड लगेगा, तो जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, तो डिड पहले आ जाएगा, डिड आई, सॉरी डिड आई गो, यहाँ पे आ जाएगा, डिड आई गो टू आगरा यस्टरडे, क्या मैं कल आगरा गया था। कहने का मतलब है कि प्रश्न में और नेगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब डिड लगानी पड़ेगी इस स्ट्रक्चर में, जब हम पास्ट की बात करें, ठीक है। तो अब इस आप इसको नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे।
और चलिए लास्ट फॉर्मूला नंबर 5। तो देखिए फॉर्मूला नंबर 5 क्या कहता है, यदि किसी सेंटेंस के अंत में क्रिया इस तरह से हमारे सामने आए हिंदी में, खेलता है या खेलती है, अब यहां पे कोई वर्ब लगा लो आप, जैसे जाता है या जाती है, खाता है खाती है, लिखता है लिखती है, यानी करने वाला एक हो, ही सीट एक वचन सिंगुलर नेम हो, तो फिर प्लेज, यानी वर्ब में एस और ईएस आता है। अब देखिए हाँ खास बात, कुछ वर्ब में ईएस भी लग सकता है, हमेशा नहीं ऐसे लगेगा ईएस, तो जिन क्रियाओं के अंत में एस डबल एस एस एच सी एच एक्स ओ जेड आई, उनमें ई एस लगता है। जैसे माना मैं यहाँ पे गो का एग्जांपल देता, जाता है जाती है, तो यहाँ पे फिर देखिए आपको गोज लगाना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखना। अब अगला देखिए, खेलता हूं या खेलते हो तो प्ले आएगा, यानी कहने का मतलब है जब करने वाले ज्यादा होंगे, जैसे मैं खेलता हूं, तुम खेलते हो, वे खेलते हैं, खेलते हैं रह गया, खेलते हैं मान लेना, मतलब प्लूरल होना चाहिए, तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बस ये थोड़ा सा पेच है, इसलिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये थोड़ा परेशान कर देते हैं, इनके स्ट्रक्चर में थोड़ी सी मतलब परेशानियां हैं, एस और यस लगता है, फिर हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव इंट्रोगेटिव में होती है, अफर्मेटिव में नहीं होती, तो ये थोड़ा आप डिटेल में पढ़ लेना। बाकी मैं आपको हल्का सा बता रहा हूं, जब भी ता है ती है वाली बात आ जाए ना, तो आपको याद आ जाए या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या उसमें एस ही एस आएगा। हालांकि मैंने इसको सरल भी कर दिया है, खेलता है खेलती है, अगर ही सीट या सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, और यदि आई वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट है तो ऑटोमेटिकली खेलता हूं खेलते हो ऐसे वर्ड आएंगे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब ये चीज सभी वर्ब पे अप्लाई होगी, जैसे जाता है जाती है तो यहां पे वो बता ही दिया गोज हो गया, लेकिन जाता हूं या जाते हो या जाते हैं तो फिर गो आएगा केवल। अब एग्जांपल देखो, मैं क्रिकेट खेलता हूं तो सब्जेक्ट हो गया आई, अब खेलता हूं की अंग्रेजी क्या आएगी, प्ले आएगी, ठीक है, क्या खेलता हूं, क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, बस ये हो गया। वह खाना पकाती है तो वह के लिए कौन है, सी, अब देखिए पकाती है एक ही है ना, तो फिर एस और यस आएगा, पकाने क्या होती है कुक, तो उसमें लगा दो एस, तो सी कुक्स फूड, वह भोजन पकाती है, ठीक है, हो गया। लेकिन वे स्कूल नहीं जाते, अब देखिए पिछला वाला जो पास्ट था ना उसमें और इसमें यही प्रॉब्लम है, यदि सेंटेंस में नहीं आ गया प्रश्न आ गया तो फिर आपको हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगानी पड़ेंगी। अब देखिए इनमें से डू और डज में से एस और यस किस मारा है, डज मारा है, तो जिनमें अर्थात जिन सब्जेक्ट के साथ आप एस और यस लगा रहे थे ना उनमें तो डज लगाएंगे, और जिनके साथ केवल फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे वहां पर डू लगाएंगे। तो देखिए वे स्कूल नहीं जाते हैं तो दे, अब दे के साथ दे कौन सा वाला है, दे इनमें आता है, ठीक है, प्लूरल में आता है, तो यहां पर डू लगा दीजिए, दे डू नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जाते हैं। सपोज करें यहाँ पे वह स्कूल नहीं जाता है ऐसा होता तो यहाँ पे कौन आता, ही, अब ही के साथ डू नहीं डज आएगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल, और यही चीज प्रश्न में भी होगी, जैसे क्या वे स्कूल जाते हैं, माने यहाँ पे क्या होता, क्या वे स्कूल जाते हैं, तो फिर ये डू पहले आ जाएगा, डू दे गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल जाते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। तो ये थे आपके कुछ पांच एक स्ट्रक्चर, यानी टेंस तो 12 है पर मैंने उनको 5 स्ट्रक्चर में कवर करने की कोशिश की है। हालांकि मेरे चैनल पर सारे के सारे टेंस डिटेल में है, टेंस एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो समझना पड़ता है, और ये जो सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं ना ये बिल्कुल बच्चों वाले सेंटेंस है, लेकिन आज का वीडियो समर्पित है उन लोगों के लिए जिनको अंग्रेजी से बहुत डर लगता है, उनको थोड़ी हिम्मत मिलेगी, बस मेरा मकसद यही था, ठीक है। मैं दोनों तरह का कॉन्टेंट डालता हूं, एकदम डीप भी, यानी ग्रामर का बिल्कुल डीप ऑपरेशन करता हूं, और इस तरह के वीडियोस भी, क्योंकि हमें सबको पढ़ाना है, हम टीचर हैं, हमारा काम है सबको पढ़ाना, मतलब हम किसी को मना नहीं कर सकते, मतलब वीक भी स्ट्रांग भी जो भी आए भैया पढ़ो, ऐसे नहीं तो ऐसे सीखो, ऐसे नहीं तो ऐसे सीखो, ठीक है। और मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा, जो लाइन बोलता हूं ना उसके पीछे ये सारी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, मैंने आपको प्रॉमिस किया, उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कैसे भी आपको पढ़ा सकता हूं, ठीक है। तो ये था वीडियो, ये थे 5 स्ट्रक्चर, आप इसको नोट कर लेना, वैसे नोट करने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है, बस मेरा मकसद था आपका डर निकालना, आपका डर दूर करना और आपकी एक शुरुआत करवाना जो हो जाएगी, ठीक है। तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आप आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।